सत श्री अकाल दोस्तों, ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पंजाब जॉब्स एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीनियर असिस्टेंट की 34 पोस्ट निकाली हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन रखी गई है इन एनी स्ट्रीम। इसके अलावा आपके पास 120 घंटे का ISO सर्टिफाइड कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और 10th क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट मैंडेटरी है। इस एग्जाम के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 37 रखी गई है। एग्जाम को दो फेसेस में कंडक्ट किया जाएगा, रिटन एग्जाम एंड टाइपिंग टेस्ट। तो रिटन एग्जाम में 80 क्वेश्चन रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से होंगे, जिसकी वेटेज 200 मार्क्स, और 40 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर से होंगे, जिसकी वेटेज 100 मार्क्स होगी और टोटल एग्जाम होगा 300 मार्क्स का। और नेक्स्ट फेस होगा टाइपिंग टेस्ट, जिसमें इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट है 29 जनवरी 2019 और लास्ट डेट है 20 फरवरी 2019 और एग्जाम एक्सपेक्टेड है मार्च में कंडक्ट होगा। और एप्लीकेशन फीस फॉर SC एंड ST ऑफ पंजाब है ₹1125, एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब है ₹500, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी है ₹3000 और फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए ₹1750। तो आइए एक बार सिलेबस पे नजर डालते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसमें दो ही सेक्शन आने हैं, रीजनिंग एंड जीके। तो रीजनिंग में सबसे पहले लॉजिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेंगे वो रहेंगे कॉज एंड इफेक्ट, आर्गुमेंट्स, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंक्लूजन। इसके बाद नेक्स्ट आएगी वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो हैं आपके डायरेक्शन, डाटा सफिशेंसी, पजल्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग एंड वेन डायग्राम। और इसके बाद आएगी नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेंगे आपके एनालॉजी, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, क्यूब एंड डाइस, मिरर इमेज, वाटर इमेज। अगर आप पूरे सिलेबस को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर जो है वो लास्ट 6 मंथ के प्रिपेयर करने हैं। लास्ट 6 मंथ का मतलब है आपने सितंबर ऑनवर्ड्स सारे करंट अफेयर करने हैं। तो करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे इकोनॉमिक इशू, पॉलिटिकल इशू, जिसमें बजट मेन रहेगा क्योंकि अभी बजट पास हुआ है। उसके बाद एनवायरमेंटल इशू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर करंट अफेयर इशूज। इसके बाद आते हैं स्टैटिक जीके पे। इसमें मेन इम्फोसिस आपका रहना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री पे, जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है। इसके बाद अगर हम पंजाब जीके की बात करें तो इसमें पर्टिकुलर मेंशन है कि आपको 14th सेंचुरी ऑनवर्ड पंजाब का हिस्ट्री कल्चर पढ़ना है। इस एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना होगा। आपको पहले अपनी वीकनेसेस पे काम करना है। रीजनिंग के जो टॉपिक आपको वीक लगते हैं आपको डेली उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो एक डेली रूटीन बनाइए कि आपको डेली 3-4 आवर रीजनिंग को और 2-3 आवर डेली जीके एंड करंट अफेयर को देने हैं। करंट अफेयर के लिए आप अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं, जिनको वन लाइनर बोलते हैं, सो दैट आप एग्जाम से कुछ दिन पहले उनका क्विक रिविजन कर सकें। सबसे पहले आप ब्राइट अकेडमी की क्लास असाइनमेंट और प्रैक्टिस असाइनमेंट रीजनिंग की बुक सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप RS अग्रवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप पंजाब के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, PPSC के, ऑडिट इंस्पेक्टर के, एक्साइज इंस्पेक्टर के, उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं पंजाब के अंदर। तो स्टूडेंट, जस्ट वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।